डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे एल कॉलम के अंदर, उसी में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल प्राप्त करना, यानी एथेनॉल को प्राप्त करने की जो विधियां चल रही थी उसमें फर्स्ट मेथड पढ़ा दिया था मैंने। आज जो सेकंड मेथड की बात करेंगे स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल को प्राप्त करना। तो डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, तो गेहूं है, जो है, मक्का है, चावल है आदि जो इस खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें स्टार्च पाया जाता है। गेहूं, जो, मक्का, चावल आदि खाद्य पदार्थों में क्या पाया जाता है, स्टार्च। अब स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से जो एथेनॉल जो प्राप्त करते हैं वो निम्न पदों में प्राप्त किया जाता है। उसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंटों की बात करेंगे, जैसे सैकेरीकरण है, मैश बनाना है, माल्ट बनाना है, मैश प्लस माल्ट बनाना, यानी कि तीनों ही प्रक्रियाओं के थ्रू कौन कौन से एंजाइमों के थ्रू एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। तो आज का टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल प्राप्त करना। इसमें कौन कौन से पद काम में लेते हैं, गेहूं, जौ, चावल, मक्का आदि खाद्य पदार्थों में, आदि खाद्य पदार्थों में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, यानी कि गेहूं है, जो है, मक्का आदि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें क्या पाया जाता है, स्टार्च। अब स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से अपन एथेनॉल किस प्रकार प्राप्त करेंगे, उसके इसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं के द्वारा अपन एथेनॉल का प्राप्त करेंगे, यानी कि पहला पॉइंट बात करेंगे सैकेरीकरण। अब यहां से डियर स्टूडेंट सैकेरीकरण क्या होता है कि स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल का जो प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सैकेरीकरण। यानी इसमें क्या होता है, स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल प्राप्त करना सैकेरीकरण कहलाता है। यानी कि पहला पॉइंट क्या पड़ेगा इसके अंदर, सैकेरीकरण, स्टार्च युक्त पदार्थों से जो एथेनॉल है उसको प्राप्त करना क्या कहलाएगा, सैकेरीकरण। इसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं को काम में लिया जाता है, इसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं को काम में लिया जाता है, इसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं को काम में लिया जाता है। कौन कौन से बिंदु काम में लेंगे, सबसे पहले मैश बनाना, उसके बाद में माल्ट बनाना, फिर बनाएंगे मैश प्लस माल्ट बनाना। मैश प्लस जो माल्ट है इसका जो विलयन है वो क्या कहलाता है, माल्टोज विलयन, या इसे क्या कहते हैं, वर्ट विलयन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट यहां से होता क्या है कि मैश बनाना, अब मैश किस प्रकार से बनाएंगे, यहां से कि मैश पहली पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, मैश बनाना। अब मैश बनाने में क्या करेंगे, यहां से जो गेहूं, चावल, खाद्य जो पदार्थ हैं उन्हें जिनमें क्या उपस्थित होता है, स्टार्च उपस्थित होता है, उन्हें उच्च ताप पर भाप के साथ गर्म किया जाता है, तो जल के साथ एक क्या बना लेता है, दूध या लेही बना लेता है, उसे क्या कहा जाता है, मैश कहा जाता है। यानी कि मैश क्या होता है, यहाँ पे गेहूं है, जो, चावल, मक्का आदि खाद्य पदार्थों में स्टार्च उपस्थित होता है, यानी कि गेहूं, जौ,
चावल मक्का आदि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें स्टार्च उपस्थित होता है, जिसे उच्च ताप पर क्या कर दिया जाए, भाप के साथ गर्म किया जाता है तो यह जल के साथ दुधिया लेही बना लेता है, जिसे मैश कहा जाता है, डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या होता है, गेहूं, मक्का है, चावल है, आलू है आदि स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, यहाँ से गेहूं चावल मक्का आदि खाद्य पदार्थ जो होते हैं जिनमें स्टार्च उपस्थित होता है उनके क्या करेंगे, यहाँ से छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उन्हें क्या कर देंगे, उच्च ताप पर भाप के साथ गर्म कर देंगे, तो ये जल के साथ क्या बना लेता है, दूध या लेही बना लेता है, जिसे क्या कहा जाता है, मैश कहा जाता है। अब यहाँ से होता है जो में डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, अब यहाँ से क्या होता है माल्ट बनाना जो में क्या पाया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है अब अंकुरित जो में इस डाइजेस्टिव एंजाइम की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। अंकुरित जो में इसकी जो मात्रा है वो क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। अब जो को अंकुरित करने के लिए क्या करेंगे, 288 केल्विन ताप पर जो को अंकुरित करने के लिए 288 केल्विन ताप पर अंधेरे कमरे में 2 से 3 दिन तक फैला देते हैं जो को अंकुरित करने के लिए क्या करेंगे, 288 केल्विन ताप पर अंधेरे कमरे में 2 से 3 दिन तक फैला देते हैं तो जो अंकुरित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, माल्ट कहा जाता है, जिसे माल्ट कहा जाता है। अब इस माल्ट को पानी के साथ पीसकर छान लेते हैं तो ये जो विलयन है वो क्या कहलाता है, माल्ट। इस माल्ट को पानी के साथ पीसकर छान लेते हैं तो यह विलयन माल्ट सत्व कहलाता है। क्लियर है यहाँ से डियर स्टूडेंट। अब स्टार्च युक्त जो पदार्थ होते हैं यहाँ से मैश में उपस्थित जो डाइजेस्टिव एंजाइम है स्टार्च युक्त पदार्थों को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ये विलयन क्या कहलाता है, वर्ण विलयन कहलाता है। अब यहाँ से जो स्टार्च होता है C6H10O5 इसको क्या करेगा, यहाँ से जल अपघटित करेगा कौन, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है स्टार्च को क्या करेगा, स्टार्च जो होता है इसका जल अपघटन करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो किस में उपस्थित होता है, मैश में। तो ये मैश में उपस्थित डाइजेस्टिव एंजाइम स्टार्च का जल अपघटन करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज C12H22O11 इसको बोलते हैं माल्टोज। यह विलयन जो है विलयन क्या कहलाएगा, विलयन वर्ट विलयन कहलाता है। विलयन क्या कहलाएगा, यहां से वर्ट विलयन।
अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, यहां से अब माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, सेकंड में यहां से माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। अब ये जो माल्टोज है उस माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, यहां से माल्टोज यहां से C12H22O11 यहां से इसका क्या करेगा, जलपटन करेगा माल्टेज एंजाइम। अब ये जो माल्टेज एंजाइम है इसको किसमें परिवर्तित कर देगा, ग्लूकोज में, यानी कि C6 से H12O6, यानी इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज। अब यानी कि ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन, थर्ड पॉइंट के अंदर बात करेंगे यहां से ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन, ग्लूकोज का जो एथेनॉल में परिवर्तन है किस प्रकार से करेंगे, यहां से जो ग्लूकोज बनता है C6 से H12O6 यहां से जाइमेज एंजाइम आता है, ये जाइमेज एंजाइम जो होता है किस में उपस्थित होता है, खमीर में उपस्थित ये जो जाइमेज एंजाइम है इस ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट कर देगा, एथेनॉल में परिवर्तित कर देगा C2H5OH और यहां से CO2 से हो जाएगी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज से जाइमेज एंजाइम से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, एथेनॉल का निर्माण कर लेंगे। ये जो प्राप्त जो एथेनॉल है इसमें जो एथेनॉल की जो मात्रा है वो कितनी होती है, 10-15% होती है, जिसे क्या कहा जाता है, वाष्प कहा जाता है। यहां से जो एथेनॉल प्राप्त हुआ है उस एथेनॉल में एथेनॉल की जो मात्रा है वो कितनी परसेंट पाई जाती है, 10-15% पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, वाष्प। अब इस वाष्प का यहां से क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन के थ्रू जो एथेनॉल प्राप्त हुआ 10-15%, अब क्या कहलाया, वाष्प। वाष्प का पूर्ति के भभके में क्या करते हैं, आसवन। वाष्प का यहां से क्या कर लें, वाष्प का आसवन करके कॉफी के भभके में कितना परसेंट एथेनॉल प्राप्त हो जाता है, यहां से 95.5% एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से यहां से स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण कर लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी है।